नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में आप देखेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 10 प्रश्न और उनके उत्तर, जो आगामी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा व शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और सही से नोट करें। हमारे चैनल पर आपको अन्य विषयों पर सामान्य ज्ञान, भूगोल और इंग्लिश ग्रामर, व्याकरण इत्यादि वीडियो मिलेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। और शेयर अपने दोस्तों व व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे कि अन्य दोस्तों को भी लाभ मिल सके इसका। चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर एक है, एनाटॉमी विज्ञान की एक वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का, मानव अंगों की क्रियाकलाप का, पशुओं के व्यवहार का और कोशिकाओं और कूतकों का। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, जानवर एवं पौधों की संरचना का। प्रश्न नंबर दो है कि ऑनकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑनकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पक्षी, कैंसर, स्तनधारी या मिट्टी? तो दोस्तों, एनकोलॉजी जो संबंधित है वो है ऑप्शन बी, कैंसर से। ऑप्शन बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिजमेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? सिक्कों के, संख्याओं के, टिकटों के या अंतरिक्ष के? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, सिक्कों के। जो न्यूमिजमेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है, वो आंसर है इसका सिक्कों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? मानव जाति की विभिन्न नस्ल, पौधों के आनुवंशिक की, यूरोपीय क्षेत्र के लोग या आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर है, क्योंकि यूजेनिक्स किसके अध्ययन संबंधित है? इसका आंसर है आनुवंशिक घटकों एवं फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव, ऑर्निथोलॉजी है पौधों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, शोरगुल का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन? प्रश्न नंबर पांच है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन डी सही है, पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इंडोमीट्रियोसिस रोग या डर्मिस रोग या महामारी रोग? तो एपिडेमियोलॉजी जो है वो संबंधित है एक ऑप्शन और तुम्हें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, महामारी रोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सात है, भोजन की उपस्थिति ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, सेल्सियस में, कैलियन में से कोई नहीं। सरल क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है, नोट कर लेंगे। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
8 सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और पारा वाले थर्मामीटर। दोस्तों हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता का माप होता है। ऑप्शन ए इसका सही जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता का मापक होता है, वायु दाब का बैरोमीटर और घनत्व का हाइड्रोमीटर। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, नहीं, लैक्टोमीटर से जो है दूध मापा जाता है, दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओमीटर, इलेक्ट्रोमीटर और गैल्वेनोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही जाएगा, इसका ओमीटर का प्रयोग किया जाता है।